मुरादाबाद ब्लॉक मुंडा पांडे के ग्राम सरखंडा खास में सड़कों का कार्य जोरों पर चल रहा है। शनिवार को सरखंडा खास के ग्राम प्रधान मुस्तर अली ने गांव की सड़कें दुरुस्त करा दी हैं। कुछ सड़कों पर लगातार काम चल रहा है। मुस्तर अली ने बताया कि नगर से लेकर पूरे गांव में खरंजा बिछवा दिया गया है। पटवई आदि का कार्य लगातार चल रहा है। अब तक अधिक से अधिक कार्य करवा चुके हैं। इसके अलावा 25 सड़कें बनवा चुके हैं और अब तक लाखों से ऊपर टाइलें लग चुकी हैं। सबका साथ सबका विकास के साथ साथ बिजली घर पानी की टंकी राजकीय इंटर कॉलेज RTI की तैयारी चल रही है। इस अवसर पर अंजू लाला, कुलदीप, प्रभुवीर, मुर्तजा खां, पप्पू, चरण सिंह आदि शामिल रहे। हमारे गांव में लमसम सड़क सब कंप्लीट हो चुकी और जो रह गई है वो भी जल्दी कोशिश करेंगे बनवाने की। हाल में कहां का काम चल रहा है? हाल में चल रहा है मुस्तकीम के घर से लाला राजाराम के घर तक, लाला राजाराम के घर से जो है सुनील पंडित के घर तक, सुनील पंडित के घर से बाजार तक। ये काफ़ी बड़ा रास्ता है, लमसम 30,000 टेल रहेगी। और कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं जो रास्ते रह गए उन्हें भी कुछ रंग कराने की, और मैंने अभी स्कूल की बाउंड्री भी कराई है, सफाई वफाई कराई है स्कूल में, टॉयलेट बनवाई है, टंकी लगवाई है स्कूल में, काम जाकर स्कूल में काम कराए हैं। प्रधान जी, इसके अलावा कुछ लचार विधवा कुछ ऐसी? हाँ, विधवा पेंशन का कार्ड बनवाई है, सरकार की मदद मिल रही है विधवा पेंशन 60 साल। कॉलोनियों की डिमांड है थोड़ी, क्या कॉलोनी हमारे गांव में काफ़ी गरीब आदमी है, बड़ा गांव है, अगर कॉलोनी और आ जा तो गरीबों का काम हो जाए, मकान बन जाए। योगी जी की सरकार चल रही है, योगी जी ने कह दिया कि हर घर पक्का होना चाहिए, उस चीज़ को काम करेंगे। तो कुछ सहयोग चाहते हैं आप जी? कुछ सहयोग? हाँ, सरकार से सहयोग तो हर एक आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं हमारे गाँव को भी प्रति सामान ज़्यादा सम्मान भी मिले और काम भी मिले। यहाँ बिजली घर और पानी की बहुत बड़ी टंकी बन रही है, BJP सरकार में आई, और हमारे इंटर कॉलेज रात दिन 24 घंटे काम चल रहा है, RTI में 24 घंटे काम चल रहा है, ठेकेदार बड़े काम कर रहे हैं, सड़कें बहुत बढ़ पड़ रही है, खूब बढ़िया हमारे गांव में बहुत तरक्की और बहुत अच्छा काम चल रहा है। सरकार की तरफ से सबका साथ सबका विकास के हिसाब से बहुत बड़े काम चल रहा है।